तो खबर गर्दा की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं कुंदन जबैर। शाम के 4 बजे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको सबसे पहले बताते हैं। नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। दरअसल निकाय चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और तमाम राजनीतिक दल जो है चुनाव प्रचार में जुटे हुए। निकाय चुनाव में प्रचार को लेकर के बीजेपी ने भी खाका तैयार कर लिया है। सरकार और संगठन जनता तक पहुंचाएगी सरकार की योजनाएं। 24 अप्रैल को सहारनपुर से सीएम योगी करेंगे प्रचार की शुरुआत। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी संभालेंगे मोर्चा, जो रणनीति का हिस्सा है, और सीएम प्रचार करेंगे निकाय चुनाव के मद्देनजर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 तारीख से प्रचार की कमान संभालेंगे। 24 अप्रैल को सहारनपुर से सीएम योगी करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत और दोनों डिप्टी सीएम भी चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। सरकार से लेकर के संगठन तक ने पूरी ताकत झोंक रखी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 24 तारीख से सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। अजीत हमारे वरिष्ठ सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अजीत, जो तय किया गया था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूरी ताकत झोंकेगी, संगठन और सरकार के जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे और अब वो तारीख आ गई है, बता दिया गया कि 24 तारीख से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभाल लेंगे। देखिए बिल्कुल कुंदन, बड़ी खबर यही है कि देखिए मुख्यमंत्री पिछली बार निकाय चुनाव की शुरुआत उन्होंने अयोध्या से की थी और इस बार वो सहारनपुर से कर रहे हैं। पहली रैली 24 अप्रैल को उनकी सहारनपुर में है, उसी दिन शामली और अमरोहा में, लेकिन सहारनपुर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहां देवबंद है। वहीं मुख्यमंत्री ने पिछले चुनाव में कहा था देवी बनाम देवबंद, शाकुंभरी देवी का मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे और अपनी रैली की शुरुआत करेंगे, तो एक मैसेज। उसके अलावा प्रयागराज से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने आज शुरू कर दिया है प्रचार। गाजियाबाद से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी संगठन की जिम्मेदारी संभालेंगे। अलग अलग जगहों पर जाकर वो प्रचार करेंगे। अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई, जो मंत्री जिस क्षेत्र का प्रभारी है उसके अलावा और जिस जिले का रहने वाला है वहां पर उसकी जिम्मेदारी होगी। तो मुख्यमंत्री 24 अप्रैल से निकाय चुनाव के आगाज कर रहे हैं और एक दिन में 3 जिलों में रैलियां करेंगे। सहारनपुर से शुरू करेंगे, शाकुंभरी देवी के मंदिर भी जाएंगे, देवी बनाम देवबंद पिछली बार बहुत चर्चा में रहा कुंदन, और उसके बाद शामली और अमरोहा जाएंगे। उसके बाद लगातार उनकी रैलियां हैं, इसी बीच में कर्नाटक में भी उनकी लगभग 3 दर्जन रैलियां हैं। निकाय चुनाव का आगाज 24 अप्रैल से मुख्यमंत्री कर रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गाजियाबाद और केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज, इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह वाराणसी, अलग अलग सभी मंत्रियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि निकाय चुनाव में देखिए 35 लाख पन्ना प्रमुख बना दिए गए हैं, बूथों का सशक्तिकरण अभियान चल रहा है, तो शहर की सरकार में भी बीजेपी और दलों से आगे रहे इसकी चुनावी रणनीति बीजेपी बना चुकी है। और बड़ी खबर एक देखिए, अब से देर रात तक बीजेपी के जो दूसरे चरण का चुनाव है वहां के प्रत्याशियों की सूची भी आज आ सकती है कुंदन, तो ये भी एक बड़ी खबर है कि दूसरे चरण के जो मेयर हैं, जो 7 मेयर बचे हैं उनके नाम की लिस्ट, और जो नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्ष हैं उनके दूसरे चरण जहां 11 मई को चुनाव होना है उनकी लिस्ट कभी भी आ सकती है। चलिए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजीत बता रहे हैं कि दूसरी लिस्ट भी आ जाएगी दूसरे चरण के चुनाव के लिए, बीजेपी की लिस्ट, एक और लिस्ट भी सामने आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।